नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। जोधपुर में डेंगू का प्रकोप, सरकारी और निजी अस्पतालों में एसडीपी किट आउट ऑफ स्टॉक। नाबालिग के साथ रेप, 11 साल की बच्ची से झालाना के जंगलों में दुष्कर्म, दो गिरफ्तार। रीट की खामियों से सबक, पटवारी परीक्षा 2 दिन में 4 पारियों में होगी, सेंटर भी अधिकतम 1177 होंगे। जयपुर में महिला की हत्या, गहने लूटे, कुल्हाड़ी से दोनों पैरों के पंजों को काटकर अलग किया, गर्दन पर भी हमला, मौके पर हुई मौत। प्रियंका गांधी को राजस्थान दौरे का आमंत्रण, जमवा रामगढ़ महिला हत्याकांड के बाद बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी को राजस्थान दौरे पर किया आमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। शहर व जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते मथुरा दास माथुर व महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए सबसे जरूरी एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट लेने के किट ही खत्म हो गए हैं। कई निजी ब्लड बैंक में भी किट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, जिसके चलते सरकारी और निजी अस्पतालों में अब मरीजों के परिजनों को आरडीपी के लिए डोनर लाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल 6 आरडीपी के बराबर एक एसडीपी होती है, जिसके चलते मरीजों के परिजनों के सामने अब दिक्कत यह है कि पहले जहां एसडीपी के लिए एक डोनर से काम चल रहा था, अब मरीज के परिजनों को 6 डोनर लाने पड़ रहे हैं। एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में एसडीपी किट की समस्या हो रही है, जिसके लिए सप्लायर को लगातार कहा जा रहा है। अब हमने मरीजों के परिजनों को कहा है कि वो एसडीपी की जगह आरडीपी के लिए डोनर लेकर आए। वहीं एमडीएमएच अधीक्षक डॉक्टर एम के आसिरी ने बताया कि किट खत्म नहीं हुए हैं, हालांकि कमी जरूर है, उसे भी कल तक दूर कर दिया जाएगा। 11 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला एक युवक अपने साथी के साथ बहला कर ले गया। काफी देर बाद जब बच्ची घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इस पर परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया। एसीपी सांगा ने नेमीचंद ने बताया कि राजकुमार नागर 22 निवासी पांडुला बूंदी हाल किराएदार मालपुरा गेट और आशु कुमार सिंगल 19 निवासी सवाई माधोपुर हाल किशनगढ़ सांगानेर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना 16 सितंबर की है। बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि सुबह के समय पर घर से बाहर मिलने वालों के यहां पर जा रही थी, तभी रास्ते में राजकुमार अपने साथी आशु के साथ बाइक पर आया और बच्ची को बातों में उलझाकर अपने साथ ले गया। उसे जगतपुरा व अक्षय पात्र होते हुए विश्वविद्यालय झालाना के जंगलों में ले जाया गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन में अदूरदर्शिता के कारण रही खामियों से आखिरकार सबक लिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं में कई अहम बदलाव किए गए हैं। परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए न सिर्फ परीक्षा केंद्र सीमित रखे गए हैं, बल्कि 2 दिन में 4 पारियों में कराने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी चुनौतियों से निपटने की अब क्या तैयारी है? अभ्यर्थियों का भरोसा वापस जीतने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? रीट तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी, इसमें एक पद पर 54 अभ्यर्थियों से मुकाबला रहा। पटवारी भर्ती परीक्षा 5,378 पदों के लिए होगी, इसमें एक पद के लिए 290 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। हर परीक्षा केंद्र पर 2 यानी प्रदेश में कुल 2300 मेटल डिटेक्टर लगेंगे। परीक्षा से पहले सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी लगाकर पेपर लीक से जुड़े गिरोह या संदिग्धों की एसओजी से धरपकड़ कराई जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जाप्ता लगेगा। निजी स्कूलों में बने केंद्रों पर विशेष निगरानी होगी। 1 से अधिक आवेदन करने वालों का अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ इलाके में मंगलवार को एक महिला की बहरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कुल्हाड़ी से महिला के दोनों पैरों के पंजे को काट दिया, गले पर भी वार किया। महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। उसके दोनों पैरों के चांदी के कड़े, गले का सोने का जंतर और सोने की बालियां गायब मिली है। माना जा रहा है कि बदमाशों ने गहने लूटने के लिए ही महिला को मार डाला। मंगलवार दोपहर वारदात का पता चलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा, जमवा रामगढ़ सीओ लाखन सिंह मीणा व थाना प्रभारी जोगेंद्र राठौड़ ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक शव की पहचान खतेपुरा चावंडिया गाँव में रहने वाली गीता देवी उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। वह राम गोपाल शर्मा की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि गीता देवी मंगलवार सुबह करीब 10 बजे खेत पर गाय भैंस चराने गई थी। दोपहर करीब 1 बजे खेतों के समीप से गुजरने वाले स्थानीय ग्रामीण ने लहूलुहान हालत में गीता देवी का शव देखा, तब गांव में सूचना दी गई।
जमवा रामगढ़ में महिला की हत्या के मामले में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए राजस्थान आने के लिए कहा है। पिछले दिनों भी बीजेपी नेताओं ने दलित हत्याकांड पर प्रियंका गांधी को प्रदेश का दौरा करने के लिए आग्रह किया था, जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं को मूर्ख बताते हुए कहा था कि राजस्थान में तो पहले से उनकी सरकार है। जमवा रामगढ़ में महिला की निर्मम हत्या का मामला अब सामने आया है। ट्विटर पॉलिटिक्स से समय निकालकर राहुल व प्रियंका गांधी को यहां आकर बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार की सुध लेनी चाहिए, सीएम से कानून व्यवस्था पर जवाब मांगना चाहिए, सतीश पूनिया ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने यूपी में नारा दिया है कि वह लड़की है और लड़ सकती है। उन्हें जमवा रामगढ़ में हुई घटना को भी देखना होगा। क्या उन्हें महिलाएं यूपी में ही असुरक्षित लग रही है? शर्मनाक तथ्य यह है कि राजस्थान बहु बेटियों के प्रति अपराध में अव्वल है, ये किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद ने कहा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।